बड़वानी के नगरपालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नगरपालिका परिसर में आयोजित वर्चुअली कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। उक्त आयोजन में बड़ी संख्या में समूहों की बहने मौजूद रहीं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, जनपद पंचायत अध्यक्ष कमलेश काक सहित भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। बड़वानी से इमरान खान की रिपोर्ट। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के 1700 करोड़ से भी ज्यादा का भूमि पूजन लोकार्पण किया है और खासकर मेरे खरगोन बड़वानी लोकसभा के करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे कार्य जो गांव के और नगर पालिकाओं के विकास करने के लिए भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। मेरे साथ आज बड़वानी में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल नयन इंगले जी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष बहन अश्विनी जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पार्षदगण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी और तमाम हमारे शासकीय कर्मचारी, स्व सहायता समूह की बहने और आमजन उपस्थित थे। निश्चित तौर पर विकसित भारत की संकल्पों के आधार पर यह प्रदेश और हमारा लोकसभा का क्षेत्र बढ़ रहा है और आज इस लोकसभा के तमाम प्रकार के विधानसभाओं में इस प्रकार के भूमि पूजन के और लोकार्पण के कार्यक्रम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जब गांव और शहर जब विकसित होता है तो क्षेत्र विकसित होता है। इसी की कल्पनाओं के आधार पर आदरणीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देश प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आने वाला 2047 विकसित भारत बनेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी विश्वास के साथ में जनता का भरपूर समर्थन भी है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में संदेश भी गया है कि विकसित भारत की कल्पना अगर साकार को कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है।